प्रीतम प्यारे, ये दोनों कौन है? इनका नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। सुनोगे कैसे लखेर सिंह, भूत बनने के बाद तो तुम इस जेल से बाहर निकले ही कहां। वो दोनों इंसान बहुत खतरनाक है। उन्होंने भूतों की दुनिया में आतंक मचा रखा है। उनके किस्से सुनोगे तो तुम्हारा रोम रोम कांप उठेगा। लखेश सिंह किसी से नहीं डरता। पूरी बात बताओ भूत रीना। तुम्हारी खबर लेने आ रहे हैं। आने दो दोनों को, देख लेते हैं कौन किसकी खबर लेता है। लखेर सिंह, बात को समझो। प्रीतम प्यारे और पुलिस ने मिलके तुम्हें पकड़ने का प्लान बनाया है। होशियार रहना, इससे पहले कि वो तुम पे वार करे दोनों की पैंट बचा देना, वरना। डोंट वरी भूत रीना, आने दो दोनों को। अगर दोनों के चेहरे का नक्शा नहीं बिगाड़ दिया ना, तो मेरा नाम भी लखेश सिंह नहीं। अरे आ गए तुम दोनों, अब बैठो। इन्होंने सम्राट जी के साथ हाथापाई की है। तुम दोनों ने सम्राट के साथ हाथापाई की? गुड, वेरी गुड। क्या लोगे, ठंडा या गरम? नहीं नहीं, ठंडा गरम कुछ नहीं चाहिए, बस नारियल पानी मंगा दीजिए। हवलदार, दोनों के लिए नारियल पानी लेके आओ। जाओ। सर, इन्होंने मारामारी की है। जाओ, बोला ना। एक मिनट हवलदार साहब, एक मिनट। सर क्या कर रहे हैं आप? हमारे साथ जरा गुनेगारों की तरह सलूक कीजिए। हम टॉप सीक्रेट मिशन पे हैं। हाँ, टॉप सीक्रेट। अटेंशन, हवलदार, इन दोनों को 17 नंबर कोठरी में डाल दो। लेकिन सर 17 नंबर कोठरी में तो जितना बोला उतना करो। ले जाओ इनको 17 नंबर कोठरी में। 17 बार नहीं बोलेंगे, चलो चलो चलो। हाथ मत लगाना, अच्छे घर के गुंडे। हाँ बोल खटखटे, क्या बात कर रहा है? ओहो हो गया हो गया, अब तेरा काम हो जाएगा, डोंट वरी। या रखता हूँ। ओके, गुड न्यूज कुकी, गुड न्यूज। क्या हुआ जानू? प्रीतम प्यारे को जेल हो गई। देखा जानू, मेरे भाई हो गए अपने प्लान्स में सफल। कूट कूट के भरी है उनमें अकल। आई मार डाला कुकी, मार डाला। लेकिन सर ये सब उन्होंने किया कैसे, लाइक पकड़े कैसे गए? अरे दोनों ने एरिया के किसी बॉक्सर को ललकारा, उसने पेट भर के उन्हें धोया और फिर पुलिस को सौंप दिया। चलो चलो, हमें भी जेल चलना है। हमने तो कोई रॉबरीज नहीं किया ना। अरे वो गधे यहाँ से निकले तो जल्दी में निकले, अपनी वो सारी चीजें लेना भूल गए। वो क्या सर? रॉकेट। सर दिवाली कहाँ आई है? अरे रॉकेट्स नहीं गुगी, ड्रम्स। अरे ये डम शरार जो है ना, मेरी जान लेकर रहेगा। एक काम करते हैं, उनकी लैब में चलते हैं, मैं वहां तुमको बता देता हूँ। मैं समझ गई, वो अपना गैजेट्स लेना भूल गए। बोल दिया, बोल दिया। अब क्या फायदा, अब ना बोला था उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो चलते चलते। अरे इधर नहीं, उधर है 17 नंबर सेल। हाँ
बहुत अंधेरा है। हाँ, दो चार ट्यूबलाइट एसी भी खटखटे से कह के लगवानी पड़ेगी और गर्मी भी बहुत है तो एसी का इंतजाम। सॉरी हम किसी एसी भी खटखटे को नहीं जानते और ये भी नहीं जानते कि 17 नंबर की कोठरी में एक भूतिया क्लब है जो सबको मारता है। चुप हो जा, चुप। शिरकी, मैं नए जमाने का एसीपी हूं, एसीपी खटखटे खट खट खट, और मुझे पता है कि वो भूतिया ग्लव्स उन दोनों को पीट नहीं रहे बल्कि वो अपने आप को पिटवा रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैंने बताया था ना प्रीतम प्यारे के बारे में, ये वही दोनों हैं, भूत को सबक सिखाने आए। अटेंशन, किसी को बताना मत, इट्स अ टॉप सीक्रेट। ओके सर, टॉप सीक्रेट। खटखटे देखो, आओ बैठो। नमस्ते भाभी। ये कह की आवाज है, प्रीतम प्यारे की पिटाई तो नहीं हो रही है? टीकू, तुम्हारे सालों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जानू, ये तो लग रही है मदद की पुकार, कहीं मेरे भाई पर हो तो नहीं रहा है कोई प्रहार? अरे मार डाला बुगी, मार डाला सर, इससे पहले कि उन्हें कुछ हो जाए, जल्दी चलिए ना। चल 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 चल। लगता है प्रीतम प्यारे को सही हाथों में सौंपा है, अब खेल में मजा आएगा। अरे भाई बचाओ, खटखटे दरवाजा खोल ले। अरे जल्दी कर, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना वो हाल करूंगा कि तुम दोनों में से पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि प्रीतम कौन है और प्यारे। खोल कैसे लटक गए? वो भूत ने इनको उल्टा लटका दिया होगा। जी, कैसी बात करते हैं आप? मैं जी, दो कड़ी के भूत की क्या औकात की मुझे उल्टा लटकाए? हाँ, मेरी जी, ये तो मेरा प्लान था कि मैं ऐसा उल्टा लटकूंगा, भूत हमें मारेगा, ताकि भूत को गलतफहमी हो जाए कि हमें कुछ पता ही नहीं है, और उसके बाद मौका देकर मैं भूत का चटनी सांबर और रायता सब बना दूंगा। मैं नए जमाने का एसीपी हूँ, एसीपी खटखटे खट खट खट। क्या खटखटे? मुझे तुम लोगों का ये आइडिया बहुत सॉलिड लगा,
पर भाईस तुम लोगों की हुई है बहुत धुलाई। हल्दी वाला दूध लाऊं या कोई दवाई? मार डाला गुग्गी, मार डाला। अरे लेकिन ये दोनों हैं मेरे मिट्टी के शेर, इन्हें कोई दूध दूध की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हथियार आ गए हैं, ले जाओ इसे और रात को भूत को खत्म कर डाला। चलो गुग्गी। जी दीदी आप मैं जी कहाँ जा रहे हैं? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? प्लीज कहीं मत जाइए, आप यहीं रुकिए ना। अरे हम लोग यहाँ रुक कर क्या करेंगे? जी मेरे जी इसकी कंपनी बहुत बोरिंग है, इसके साथ रहता हूँ मैं बहुत बोर होता हूँ। प्लीज अगर आप रुकेंगी तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा हम लोग। ए कुछ भी झूठ मत बोल, मेरी कंपनी क्या बोरिंग है, तेरी कंपनी बोरिंग है। मेरी जी इसकी कंपनी बहुत बोरिंग है, ये माँ बोर इंसान है। आप एक काम कीजिए ना, अगर आप मेरे साथ यहाँ जेल में रुक जाती तो फिर हम रात भर आप कहें तो ताश खेलेंगे, नारियल पानी पियेंगे, जूह चौपाटी के सपने देखेंगे। मेरे मिट्टी के शेरों, तुम लोग यहाँ पिकनिक पे आए हो या फिर भूत को पकड़ने आए हो? भूत को पकड़ने। गुड, चल। नहीं कहाँ 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 गोविंद जी कहाँ जा रहे हो आप लोग? प्लीज प्रीतम प्यारे मेरी बात समझो, अगर हम लोग यहाँ रुकेंगे तो वो भूत चकन्ना हो जाएगा ना, और फिर वो यहाँ आएगा ही नहीं। हाँ। है ना मिस मैरी, बिल्कुल सही करी। अभी हम चलते, इनको अपना काम करने देते। हवलदार इन दोनों को अंदर डालो और दरवाजा लगा दो। अब क्या होगा, वो ग्लव वापस हमें मारने आ गया तो? तू डरता क्यों है? मैं हूं ना, मैं हूं, घबराने की कोई बात नहीं है। फिलहाल मैं सोता हूँ, तू पहरा दे। ठीक है, फिर तू पहरा देना, मैं सोऊंगा। दोनों बार मैं ही पहरा दे रहा हूँ। हाँ तो मैं भी तो दोनों बार सो रहा हूँ। हाँ ए, नहीं नहीं, अगर तू सो गया तो वो भूत मुझे सुला देगा हमेशा हमेशा के लिए। तुझे जगना पड़ेगा, जगते रहो जगते रहो। मैं जग रहा हूँ, मैं जग रहा हूँ। जगते रहो जगते रहो, जाग रहा हूँ, जागते रे जागते रे, जाग रहा हूँ। इडियट, बेवकूफ, कदा कही का दादा। वैसे मुझे गाली खाने की आदत तो है नहीं, फिर भी खाली है तो पूछता हूँ, ऐसा क्या किया मैंने? उसकी हाँ। मैं तुम्हें नहीं, उस लखेर सिंह को कोस रही थी। उसने क्या किया? देखा नहीं तुमने, प्रीतम प्यारे और उसकी पूरी फैमिली वहां मौजूद थी। अगर वो चाहता तो उन पर हमला कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उन्हें जाने दिया। अब तो प्रीतम प्यारे के पास उनके हथियार आ चुके हैं। लखेर सिंह के लिए ये बाजी आसान नहीं होगी। लगता है मुझे वापस वहां जाना होगा और लखेर सिंह को उकसाना होगा, ताकि जोश में आकर वो प्रीतम प्यारे को अटैक कर सके। वाह लकेर वाह, दुश्मनों को छोड़ दिया और अब दीवार पर गुस्सा उतार रहे हो? छोड़ा नहीं, चेतावनी दी है, चेतावनी। लेकिन वो तुम्हें चेतावनी नहीं देंगे, सीधा तुम पर वार करेंगे, और अब तो उनके पास हथियार भी है। ये इंसानों के हथियार, लखेर सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंसानों के नहीं, भूतों के लिए। कई बार तुम जैसे भूतों का काम तमाम किया है उन हथियारों ने। इस बार उनका पाला लखेर सिंह से पड़ा, ऐसी हालत करूंगा उनकी ना कि नानी याद आ जाएगी। इतना कमजोर मत समझो प्रीतम प्यारे को, उनका दोस्त है सम्राट, बॉक्सर सम्राट।
तो नाम ना लो मेरे सामने। ठीक है, नाम नहीं लूंगी। प्रीतम प्यारे अब भी 17 नंबर सेल में है, जाओ और अपनी ताकत उन्हें दिखाओ। सम्राट ने ही आप भेजा है ना मुझे जेल में खत्म करने के लिए? नहीं नहीं सच्ची नहीं। आपकी और सम्राट की क्या दुश्मनी होते बताइए? बहुत लंबी कहानी है। तो कोई बात नहीं, आराम से सुनाइए, हमारे पास तो बहुत वक्त है, चाय पानी पीते हुए सुन लेंगे। वैसे भी इनकी मार खाने से तो अच्छा कहानी सुन लेंगे। क्या? कुछ नहीं, कहानी सुननी बहुत जरूरी है, आप सुनाइए ना, सुनाइए। आज से 3 साल पहले की बात है, For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.